अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत सूरतगढ़ स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा, जिसका शिलान्यास नई दिल्ली वर्चुअल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अमृत भारत योजना के तहत सूरतगढ़ स्टेशन पर 20.3 करोड़ लागत आएगी, जिसमें यात्रियों की सुविधा और बेहतर यात्रा के लिए अनेक कार्य किए जाएंगे। सूरतगढ़ स्टेशन के महत्व और यात्री क्षमता को देखते हुए इस योजना में शामिल किया गया। योजना में स्टेशन बिल्डिंग को अत्याधुनिक रूप दिया जाएगा। इस योजना के तहत लैंडस्केप के साथ सर्कुलेटिंग एरिया का भी विकास किया जाएगा। अमृत भारत योजना के अंतर्गत सूरतगढ़ स्टेशन पर निबंध, चित्रकला, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। रेलवे स्टेशन पर हुए समारोह में भाजपा विधायक राम प्रताप कासनिया, पूर्व विधायक राजेंद्र बहादुर, पूर्व विधायक अशोक नागपाल, भाजपा के जिला अध्यक्ष शरणपाल सिंह मान, नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश मिश्रा, पालिका अध्यक्ष परशुराम भाटिया, कोच महावीर सैनी, रेलवे के सीनियर डीएन नरेश कुमार शर्मा आदि मंचन सिंह रहे। वहीं रेलवे के ही वेलफेयर इंस्पेक्टर धर्मेंद्र जायसवाल, टीआई सतवीर सिंह, आरपी पांडे और स्टेशन अधीक्षक राज सिंह शेखावत समेत भाजपा के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता व आमजन मौजूद रहे। अलग अलग प्रेस और निकास द्वार दिए जाएंगे। टू व्हीलर और फोर व्हीलर ऑटो रिक्शा के लिए अलग अलग पार्किंग सुविधा, यात्री क्षमता के अनुसार प्राप्त क्षेत्र में प्रेस हॉल का निर्माण, प्लेटफार्म पर कोच की सही स्थिति जानने के लिए कोच इंडिकेशन बोर्ड का प्रावधान, उन्नत और बेहतर वेटिंग रूम की सुविधा, स्टेशन बिल्डिंग के आंतरिक और बाहरी भाग में उत्कृष्ट साज सजा, नए प्लेटफार्म शेल्टर का प्रावधान, दिव्यांगजन की सुविधा के लिए टॉयलेट और वाटर बूथ की सुविधा, बेहतर साइनेज की सुविधा, होल्डिंग व स्मारकीय झंडे का प्रावधान, स्टेशन पर उन्नत और बेहतर फर्नीचर की व्यवस्था, एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म जाने के लिए 12 मीटर चौड़ाई के फुट ओवरब्रिज की प्रावधान।